वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशो से के एमसीक्यू से रिलेटेड। तो इसके पहले मैंने पार्ट वन में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ अब आज की हम इस क्लास में वहाँ से आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नाउ हम लोग बात करते हैं अब कुछ सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बिना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्वेश्चन एंड उसके डिस्कशंस शुरू। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। बोलिए गाइस, क्या कहते हैं इसे हम? सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज अ लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। मतलब इनको मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, फॉर्मूला, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये मैं शॉर्ट में कैसे कहता हूँ इस फॉर्मूले को, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म फंड जो हम बाहर वाले से बोरोइंग्स करते हैं, एंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो इज, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि हमारे शेयर होल्डर्स मतलब कि प्रोप्राइटर्स ने ओवरऑल कितना फंड लगाया हमारे टोटल बिजनेस के अंदर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख आपको क्या दी हुई है? फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है। मैं लिखते हुए चलता हूँ गाइस, क्या दी हुई है? फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख की, करंट असेट्स दी है आपके पास 3 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास 4 लाख के, उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस है आपके पास 2 लाख के, राइट? उसके अलावा आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स है, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स है आपके पास 40,000 की। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, राइट गाइस? आपको क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना। अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100। तो यहां पर शेयर होल्डर का फंड कितना है? 4 और 2, 6 लाख, राइट? और टोटल मैं अगर एसेट्स की बात करूं तो टोटल एसेट्स कितने हो जाते हैं हमारे पास? 8 लाख इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए? 75%, मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द ब्लैंक रेशियो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ द फर्म। तो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के बारे में सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं जो बात करते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? सॉल्वेंसी रेशियो। अ डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड इट इंडिकेट रिस्की फाइनेंशियल पोजिशन। जब ये कब किस चीज को रिस्की, तो इसके लिए आइडियल नॉर्म्स होता है। डेप्ट इक्विटी का आइडियल नॉर्म्स क्या होता है? 2:1, मतलब कि ऑप्शन बी। ओके, इन डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट रेफर्स टू, डेप्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म डेट्स। अच्छा, टोटल डेट्स या डिबेंचर एंड करंट लाइबिलिटी, तो ऑब्वियस है टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोप्राइटरी रेशियो किसके और किसके बीच में रिलेशन बताता है? तो प्रोप्राइटर्स के फंड एंड टोटल एसेट्स, बिकॉज फॉर्मूला ही क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, फॉर्मूला ही होता है। तो सही आंसर क्या है? सी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपए का, रिजर्व है 5 लाख का, दोनों को जोड़ दूं तो टोटल होती है 25 लाख। ओके, डिबेंचर है मेरे पास 10 लाख के और करंट लाइबिलिटीज है 8 लाख की। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, फॉर्मूला है डिबेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डिबेंचर डिवाइडेड बाय अगर मैं इक्विटी करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? तो आता है ये 0.4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज, आपको क्या दिया हुआ है? डेप्ट इक्विटी मतलब 1 रुपए के डिवेंचर तो 2 रुपए की इक्विटी, ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज इट। अच्छा, अगर मुझे डिबेंचर को इंक्रीज करना है तो मुझे उधार और लेना पड़ेगा, है ना? मुझे और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ जाने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की तरफ जाने पड़ेंगे अगर मुझे इसे इंप्रूव करना है तो, या फिर मुझे इक्विटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये दो तरीका है मेरे पास। तो पहला तरीका क्या है? इशू ऑफ अ न्यू फ्रेश शेयर। अगर मैं फ्रेश शेयर इशू करूंगा तो मेरी इक्विटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ये मेरा डेप्ट इक्विटी जो इंक्रीज नहीं उल्टा और डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मुझे उधार बढ़ाना है, रिडम्पशन करके ये कम हो जाएंगे, तो अगेन ये भी सही नहीं है। अच्छा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, डिबेंचर इशू होने से क्या, और कैश में इशू कर रहे तो आपके एक साइड से एसेट्स बढ़ेंगी, तो दूसरे साइड से आपने डिबेंचर इशू किया है
तो आपके पास पैसे आए और डिबेंचर के नाम से लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, आपके पास लाइबिलिटी ये बढ़ गई, और ये वैल्यू आपकी जितनी हाइयर होंगी उतना आपका रेशियो क्या होगा, हाइयर आएगा, मतलब सी ऑप्शन अभी तक का सही ऑप्शन नजर आया है, राइट गाइस, सी ऑप्शन अभी तक क्या हुआ है, नजर आया है, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, अगर उधारी में मैं खरीदता हूं तो इससे मेरे डेट इक्विटी रेशियो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो सही ऑप्शन क्या है यहां पर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 62 क्या कहता है क्वेश्चन, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड, मतलब कि एक आइडियल रेशियो के बारे में पूछ रहा है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक आइडियल रेशियो, तो आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1, राइट, तो आइडियल रेशियो या सेटिस्फैक्ट्री रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल पता है, जनरल रिजर्व पता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करेंगे, अच्छा डिबेंचर पता है, करंट लाइबिलिटी पता है, ओके सो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स डिवाइडेड बाय करंट हमारा जो भी शेयर होल्डर फंड है वो, तो शेयर होल्डर फंड कितना हो जाता है, 8,20,000, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरा आंसर फिर कितना आना चाहिए, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000, तो ये आ जाता है आपका 0.39, कितना आ जाता है ये, 0.39:1, ठीक है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ये 4 के आसपास की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 3.9 के आगे भी डिजिट्स आ रहे थे, ओके तो आपका 0.4:1 आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म इट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व फंड दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है जो हमारे किसी काम का नहीं है, और उसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है और एक आपको डिबेंचर दिए हुए हैं, राइट, तो अगर मैं बात करूं हमको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है तो सबसे पहले मैं शेयर होल्डर के फंड को ऐड कर दूं, 5,80,000 प्लस 4,30,000, इन दोनों को अगर हमने आपस में ऐड कर दिया तो हमारी टोटल कितनी आनी चाहिए, तो हमारी टोटल आनी चाहिए गाइस 1 करोड़, सॉरी 10,10,000, राइट, कितनी आनी चाहिए टोटल, 10,10,000, और वहीं अगर मैं डिबेंचर की बात करूं, 1,28,900 प्लस डिबेंचर 2,30,000, अगर इनको मैं अगर आपस में जोड़ दूं, 1,28,900 प्लस 2,30,000, तो इसकी टोटल आ जाती है 3,58,900, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 0.355:1, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक कर लेते हैं, तो ऐसा ऑप्शन तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इसके नियरेस्ट एक ऑप्शन दिख रहा है, इसका नियरेस्ट एक ऑप्शन है वो है 0., अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो 3,6:1 हो सकता है, एक नियरेस्ट ऑप्शन मुझे डी वाला ही नज़र आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं बट बहुत क्लोज और काफ़ी नियरेस्ट आपको एक आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी, आपको क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो भी फंड्स है वो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, राइट गाइस, सो इक्विटी शेयर होल्डर के फंड कितने हैं, 6 लाख, डिबेंचर है 2,40,000 का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है 40, मतलब ये लॉस है, ओके सो अगर मैं बात करूँ तो मेरी एसेट साइड की टोटल कितनी हो जाती है, एसेट साइड में मुझे 40,000 का एक बैलेंस दिया हुआ है, और वहीं अगर मैं लाइबिलिटी साइड की बात करूं तो 6 लाख प्लस 2,40,000, मतलब लाइबिलिटी साइड की टोटल आ जाती है 8,40,000, जबकि एसेट साइड की टोटल 40, तो ये तो सही नहीं है, तो एसेट साइड में 8 लाख की क्या होंगी आपकी, अदर एसेट्स, तो आपको एसेट्स पता चल गया और आपको शेयर होल्डर का फंड भी पता है कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो कीजिएगा सॉल्व, 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 75%, कितना आंसर आना चाहिए गाइस इसका, 75%। अच्छा आप चाहो तो इसको एक बार ऑप्शन में करेक्ट है 75
परसेंट तो ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, 74 नियरेस्ट दिख रहा है, पर ठीक है। एक और तरीके से आप कर सकते हो, हमारे फॉर्मूले में है टोटल एसेट्स। एक काम कीजिए, एसेट्स की टोटल कितनी होती है, 8,40,000। तो आप 8,40,000 लीजिए। तो अगर आप 8,40,000 अगर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 8,40,000 इंटू 100, तो आंसर आता है आपका 71.42%, राइट। तो हमारे पास दोनों भी तरीके हैं, तो आप दोनों भी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि आंसर सी में जो है ऑप्शंस आपके पास है, एक्यूरेट अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है गाइस। अच्छा, इसमें एक और तरीका हो सकता था क्या, आपके पास एक और तरीका ऐसा भी हो सकता था कि ये जो लॉस है ये कहीं ना कहीं हमारे शेयर होल्डर के फंड को कम कर सकता है। 6 लाख की जगह अगर इसमें से 40,000 का लॉस माइनस कर दो तो 5,60,000, जबकि टोटल हमारी एसेट्स कितनी आ जाती है, 8 लाख। हमारी टोटल एसेट्स कितनी आ जाती है, 8 लाख इंटू 100। तो अगर मैं, ये भी एक तीसरा तरीका है, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, एग्जैक्ट 70% आंसर आता है। एग्जैक्ट इस तरीके से कितना आंसर आता है गाइस, 70%। तो ये भी एक तरीका हो सकता था। मैंने इस क्वेश्चन में तीन डिफरेंट डिफरेंट वेज आप लोगों के साथ डिस्कस करवाया। थर्ड वे था जो आपका आंसर के हिसाब से मैच करता है। चलिए बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म इट्स प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी, आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। फिक्स्ड एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए है। तीनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो मुझे टोटल एसेट पता चल जाएंगी, 3,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 30,000, तो टोटल 5,50,000। ये क्या गई हमारी टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग दिस प्रिलिमिनरी। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं, 2,40,000, 2,44,000 के, जबकि प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड फंड, तो रिजर्व एंड फंड को भी ऐड कर दूं, तो इसमें मैंने 58,000 का क्या ऐड कर दिया, रिजर्व एंड फंड। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, टोटल एसेट्स से, किससे डिवाइड कर दूं गाइस, टोटल एसेट्स, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके बिजनेस के अंदर ओवरऑल प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है। अच्छा, शेयर होल्डर कितने थे हमारे पास, 2,44,000 के। ओके, सो ये हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल की टोटल। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो इस प्रेफरेंस शेयर को भी हम किसमें काउंट कर लेते हैं, शेयर होल्डर के फंड में, तो 1,70,000। तो ये हो गया टोटल हमारे शेयर होल्डर का फंड, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल ओनर्स के पैसे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, और ये हमारे टोटल बिजनेस की कैपिटल। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, 2,44,000 प्लस 58,000 प्लस 1,70,000, तो ये आता है 4,72,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000, 5,50,000 इनटू 100, तो आंसर आता है 85%। कितना आता है गाइस आंसर, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कंपनीज टोटल एसेट्स टू डेब्ट इक्विटी या फिर डेब्ट रेशियो विल बी, आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2,70,000 का, करंट लाइबिलिटी दी हुई है आपके पास, ओके, और आपके पास फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है और डिबेंचर भी दिया हुआ है और आपको लॉन्ग टर्म के लोन भी दिए हुए हैं, राइट। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल एसेट्स माइनस या टोटल एसेट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो हमको निकाल के बताना है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 2,70,000, करंट एसेट्स तो पता नहीं लेकिन करंट लाइबिलिटी पता है। अच्छा, अगर करंट लाइबिलिटी इधर ट्रांसफर हो जाए तो इधर ऐड हो जाएंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हो मेरी करंट एसेट्स कितनी रही होंगी, 3 लाख, राइट। कितनी रही होंगी करंट एसेट्स, 3 लाख। तो 3 लाख करंट असेट्स प्लस 4 लाख फिक्स्ड असेट्स, कुल मिलाकर 7 लाख की मेरी क्या आ गई, टोटल एसेट्स। क्या आ गई गाइस, 7 लाख की टोटल एसेट्स। और अगर मैं डेब्ट की बात करूं कि हमारे पास डेब्ट कितने हैं, तो हमारे पास डिबेंचर्स की बात करूं तो 2 लाख के हमारे पास एक डिबेंचर है, राइट। कितने के डिबेंचर्स है हमारे पास, 2 लाख के एक डिबेंचर्स दिख रहे हैं, और 80,000 का, और 80,000 का हमारे पास एक लॉन्ग टर्म हमको क्या नजर आ रहा है, हमको लॉन्ग टर्म एक बैंक लोन नजर आ रहा है। तो 2 लाख हमारे पास डिबेंचर 2 लाख के प्लस 80,000 के, तो ऐसे करके 2,80,000 के हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ जाती है, और इक्विटी हमारे पास कितने का है, 7 लाख का। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू
100 कितना परसेंट होता है ये, 40%, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम फर्म इट्स अ टोटल एसेट्स डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी, अगेन आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो अगर मैं बात करूँ 3,20,000 इज इक्वल टू ये करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये इधर चली जाएगा, तो 3,20,000 में अगर मैंने प्लस कर दिया 1,40,000 को तो 4,60,000 आता है, तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 4,60,000, ये करंट असेट्स की वैल्यू आ गई। नाउ मेरे पास फिक्स्ड असेट्स भी पता है 2,60,000, तो 4,60 में ही अगर मैं 2,60,000 और ऐड कर दूं तो मेरी टोटल एसेट्स कितनी हो जाएंगी, 7,20,000। ओके, अभी तक की मेरी टोटल एसेट्स निकल चुकी है। अगर मैं लॉन्ग टर्म डिबेंचर की बात करूं तो 2,10,000 और 78,000, मतलब 2,10,000 एंड 70,000, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो कितना आ जाता है, 2,88,000। ओके, उसके अलावा डिवाइडेड बाय 7,20,000, तो डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100, तो आंसर कितना आता है, 40%। ओके गाइस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, तो एक काम करते हैं गाइस, एक्टिविटी रेशियो को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर बोर भी मारना शुरू हो जाता है। सो हम आगे का एक्टिविटी रेशियो से बात करेंगे आगे के क्वेश्चन में, हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट होगा जो मैं थर्ड पार्ट में कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट पार्ट भी।